वागेश्वरी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बाकी सब सब्जेक्ट की आपके रेगुलर क्लासें लग रही हैं, लेकिन कृषि विज्ञान की थोड़ी पेंडिंग थी। आज से हम कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर की क्लासेज हैं रेगुलर स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर वो टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे जो 11th और 12th दोनों क्लास के अंदर कॉम्बो हैं। अब पहले हम बात करते हैं हमारे एग्रीकल्चर के अंदर है क्या। अब इसमें 11th और 12th बेसिस पर एग्रीकल्चर एंड कृषि विज्ञान को मुख्यतः तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला था एग्रोनॉमी, यानी आपका सस्य विज्ञान। सेकंड चैप्टर रहेगा आपके उद्यान विज्ञान, और थर्ड रहेगा आपके लिए पशुपालन। यानी 11th और 12th एग्रीकल्चर के अंदर तीन चैप्टर, तीन मेन आपके टॉपिक्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग हमने पूरे साल के पढ़ाई करनी है। अब सस्य विज्ञान मतलब जो हमारे खेतों के अंदर वर्किंग होती है, वो ऑल टोटल वर्किंग आएगी आपके सस्य विज्ञान के अंदर। सेकेंड रहता है आपके उद्यान विज्ञान के अंदर। उद्यान विज्ञान में क्या होगा, आपके जो फलदार पौधे और पुष्पीय पौधे, यानी फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर कॉम्बो करके इसके अंदर हमें पढ़ेंगे। और रही बात पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री की, उसके अंदर हम पढ़ेंगे भाई पशुओं की, विभिन्न पशुओं की नस्लें, उनमें होने वाले रोग, उनका उत्पादन कहाँ पर वितरण है, इसके अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट हम रिड्यूस स्टार्ट करते हैं सस्य विज्ञान। है क्या सस्य विज्ञान? अभी हमने जस्ट बात की थी फसलों का अध्ययन, यानी मर्दा फसलों का अध्ययन ही क्या है सस्य विज्ञान। अब देखो फर्स्ट वर्ड आ रहा है मर्दा, फसल उत्पादन करने के लिए हमें सबसे जो बेसिक हमारा कंपाउंड होगा वो होगा आपका मर्दा यानी सॉइल। अब मर्दा के बारे में बात करें, मर्दा है क्या, यानी धरातल की जो आप पृथ्वी की ऊपरी परत है वो क्या कहलाएगी आपकी, मर्दा। पृथ्वी की ऊपरी परत मर्दा, लेकिन एज एम परिभाषा थी उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते भाई ये धरातल की ऊपरी परत मर्दा है। तो मर्दा क्या है, मर्दा यानी देखो दो वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक थे आपके साहब व्हिटनी साहब, व्हिटनी सर ने क्या मर्दा को इस प्रकार से परिभाषित किया कि मर्दा है एक पोषक तत्वों की धानी है, बर्तन। यानी मर्दा क्या है, पोषक तत्वों का एक बर्तन। अब उसके अंदर वह सभी पोषक तत्व उपलब्ध हैं जो पौधों की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करवाते हैं, यानी पादप उपयोगी सभी पोषक तत्व मर्दा में उपस्थित है, यह बात की थी आपके व्हिटनी ने साहब ने। एक और वैज्ञानिक थे आपके, दो वैज्ञानिक थे, बेकेमन और फ्रेंडी, बेकेमन और फ्रेंडी। इन दोनों ने बताया था आपके कि मर्दा आपके कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों के विघटन से, उनके विच्छेदन से एक प्रोफाइल है। मर्दा क्या है, एक प्रोफाइल है किसकी, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन की, जिसके अंदर प्लांट के लिए जितने भी पोषक तत्व चाहिए एक पौधे को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, वो सारे के सारे पोषक तत्व इसके अंदर उपस्थित हैं। देखो सॉइल की दो परिभाषाएं हमारे पास मिल गई हैं, एक तो था आपका व्हिटनी के अनुकूल, इन्होंने क्या कहा था कि मर्दा पोषक तत्वों की धानी है। दूसरा था आपके साइंटिस्ट है आपके बेकेमन और फ्रेंडी, इन्होंने बताया था कि मर्दा क्या है कि भाई कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन वेव विघटन से निर्मित एक प्रोफाइल है, वो का वर्क क्या करेगी कि प्लांट के लिए जो जितने भी पोषक तत्व चाहिए उन्हें, तो 17 चाहिए, 4 17 हो गए मेन और 4 हो गए कार्य करने वाले, यानी 21 पोषक तत्व आपके उपलब्ध करवाती है। अब आते हैं बात मर्दा, इसकी संरचना कैसी है, परिभाषा हो गई, बात करें इस मर्दा की संरचना कैसी है। अब मर्दा की संरचना में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मर्दा का संगठन क्या है। यानी मर्दा का संगठन क्या है,
अब मर्दा संगठन में आएंगे आपके, मर्दा संगठन के अंदर होंगे आपके, पहली चीज तो हम देखें कि खनिज पदार्थ, मिनरल्स। सेकेंड होंगे आपके कार्बनिक पदार्थ। थर्ड होंगे आपके मर्दा जल, और फिर होगी आपकी मर्दा वायु। मर्दा संगठन के अंदर खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मर्दा जल और मर्दा वायु। अब इन खनिज और कार्बनिक को तो हम वर्किंग देते हैं ठोस के अंदर, और इन दोनों को संयुक्त रूप से हम एक एकाग शब्द यूज लेते हैं इनके लिए, रंध्र या रंध्रांश। खनिज और कार्बनिक आएंगे हमारे ठोस पदार्थ के अंदर, मर्दा जल और मर्दा वायु आएगी आपके रंध्रांश के अंदर। अब आयतन की दृष्टि से देखें, मिट्टी के अंदर आयतन की दृष्टि से देखें तो ये भी आपके 50% होते हैं और ये भी आपके 50% होते हैं। यानी आयतन देखें हम तो ठोस का भी आयतन सोयल के अंदर 50% और रंध्रांश का भी आयतन आपके 50%। अब खनिज हैं, वापिस इनको थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं। पहली चीज देखते हैं खनिज हैं। अब खनिज आपके मर्दा की जो उर्वरक क्षमता है, यानी मिट्टी के अंदर कितने पोषक तत्व होंगे, वो मुख्यतः इस खनिज पर ही डिपेंड करते हैं, खनिज पर डिपेंड करते हैं। अब हमने बात की थी खनिज और कार्बनिक, ये दोनों आयतन के अंदर कितने देखे थे हमने, 50%। तो भाई साहब इन दोनों को अलग करें तो खनिज होंगे आपके 45% और कार्बनिक पदार्थ होंगे 5%। खनिज आपके 45 और कार्बनिक पदार्थ होंगे हमारे 5%। अब खनिज के अंदर बात करें हम कि ये मिनरल्स कैसे देगा, ये पोषक तत्व मिनरल्स से आपके ये पोषक तत्व कैसे देगा। अब तो खनिज के अंदर बात, खनिज का वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण करें या सोयल का वर्गीकरण करें, उसमें मुख्यतः पॉइंट आपका खनिज का आएगा, जिसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय सोयल साइंस है आपकी, सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ISS के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस, इन्होंने मर्दा कणों को मुख्यतः चार डिवाइड कर दिए, चार भागों के अंदर डिवाइड कर दिए, वो भी उनके आकार के अकॉर्डिंग। अब वो चार पार्ट कौन से हैं वो देख लें कि भाई जो ये ISS ने बताया था चार पार्ट है, तो उनमें सबसे पहला आता है आपके बड़ी बालू, और इसे हम कंकड़ नाम भी मिलता है हमें कहीं पर, कंकड़ पत्थर, बड़ी बालू या कंकड़। अब इनका आकार क्या आपके, अब कोई भी सोयल का कण है उसका आकार 2 mm से अबव है, व्यास की बात हो रही है यहां पर, किसी भी मिट्टी के कण का आकार 2 mm से अधिक है वो आएगा कंकड़ के अंदर, कंकड़ पत्थर या बड़ी बालू के अंदर। सेकेंड ऑप्शन आता है आपका बालू, उसके अंदर क्या है, जिन मर्दा कणों का आकार 0.2 से 2 mm के मध्य है, जिन मर्दा कणों का आकार 0.2 से 2 mm के मध्य है, उनको नाम दिया गया है बालू। फिर अगला आता है आपका सिल्ट, इसमें क्या है कि जिन मर्दा कणों का आकार 0.02 से 0.2 mm के मध्य है, वो किसके अंदर आएंगे आपके, सिल्ट के अंदर। फिर लास्ट आता है आपका मर्तिका, अब मर्तिका का आकार होगा आपके 0.002 से लेकर आपका 0.02 mm आकार है, तो वो कण किसके अंदर आएगा,
मृतिका के अंदर। देखो कंकड़ की साइज 2 mm से अबव है तो उस मिट्टी के कण को हम बात कहेंगे कंकड़, 0.2 से 2 mm के मध्य है तो वो बालू, 0.02 से 0.2 mm के मध्य है तो वो होगी आपकी सिल्ट, और 0.002 से 0.02 के मध्य है वो होगी आपकी मृतिका। अब आगे की बात करें इसके अंदर के पोषक तत्व, जो बालू है वो मिट्टी के जो आपका बाह्य ढांचा है उसका सबसे बड़ा फैक्टर जो आपका निभाता है वो बालू, और मिट्टी के अंदर चिकनाहट देने का काम करता है सिल्ट। दोमट सोइल हम बात, दोमट मृदा मतलब उसके अंदर सिल्ट अधिक है। फिर हम बात करते हैं मिट्टी का यह करती है पोषक तत्व देने का कार्य, यानी बालू है बाह्य आकार को मिट्टी को स्थूल भौतिक अवस्था सुधारने का काम करता है बालू, सिल्ट मिट्टी के अंदर चिकनाहट प्रदान करती है, और मृतिका है उसके अंदर पोषक तत्व प्रोवाइड करवाने का कार्य करती है। अब दूसरी चीज देखें हम कार्बनिक पदार्थ, खनिज हो गए आपके, देन नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं कार्बनिक पदार्थ। अभी हमने देखा था कार्बनिक पदार्थ आयतन की दृष्टि से सोइल में कितने परसेंट हैं, 5%। आयतन की दृष्टि से मिट्टी के अंदर जो आपके कार्बनिक पदार्थ हैं वो 5% है। अब कार्बनिक पदार्थ में है क्या, एक तो जितने भी आपके सूक्ष्म जीव हैं वो भी कार्बनिक पदार्थ के अंदर, ह्यूमस हैं वो भी कार्बनिक पदार्थ के अंदर, और जो अभी अपूर्ण विघटित जो आपका जो कोई फसल अवशिष्ट है या पशु अवशिष्ट है वो भी किसके अंदर आएगा, कार्बनिक पदार्थ होंगे। आयतन की दृष्टि से 5%। अब ये कार्बनिक पदार्थ हैं वो मिट्टी की गहराई पर डिपेंड करते हैं, मिट्टी की गहराई पर डिपेंड करते हैं। कैसे करते हैं, आपके जो ऊपरी मृदा है यानी मिट्टी का जो ऊपरी पार्ट है उसके अंदर तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं आपके 3 से 5% के मध्य, 3 से 5%, इस 5 का 3 से 5% वर्क समझ लो। फिर बात करें जो मिट्टी के नीचे चले गए, जो जो मिट्टी का आप निचली सतह पर जाओगे कार्बनिक पदार्थ बढ़ते जाएंगे, तो निचली मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा होती है आपकी 5 से 10%, ऊपरी पर 3 से 5 और निचली मृदा के अंदर 5 से 10%। अब आगे की बात करें मृदा जल, देखो ठोस पदार्थ खनिज और कार्बनिक हमने देखा था, अब बात करते हैं मृदा जल की। तो मिट्टी के संगठन का तीसरा मेन फैक्टर है मृदा जल। थोड़ी देर पहले हमने देखा था वायु और जल दोनों आयतन के रूप में होते हैं आपके 50%। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो 25% तो रहेगा आपका जल और 25% ही रहेगी आपकी वायु, 25% वायु और 25% जल। अब बात करते हैं यहां से जल की। अब प्लांट आपके मिट्टी के अंदर कितने भी पोषक तत्व क्यों ना हो, जब तक मिट्टी के अंदर जल नहीं होगा तो वो मिट्टी फसल उपयोगी नहीं होगी। एग्रोनॉमी में बात करते हैं हमें फसल उत्पादित करना है तो बात करते हैं जल की। अब जल रहता कहां पर है मिट्टी में, सबसे बड़ी बात है जल रहता है कि मिट्टी के जो कण हैं उन कणों के मध्य जो रंध्र है, गैप है आपका, उस गैप के अंदर जल भी है और वायु भी है, 25% जल है और 25% वायु है। लेकिन मिट्टी के अंदर जो जल है उसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी जल को 3 बड़े भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। तो इस सॉइल मिट्टी के जल का पहला भाग है आपके आर्द्रता ग्राही, पहला भाग आर्द्रता ग्राही जल। अब आर्द्रता ग्राही नाम से हम समझ रहे हैं कि यानी वायुमंडल में जो नमी है उस नमी को मिट्टी के कण अपने अंदर अधिशोषित कर लेते हैं। वायुमंडल में जो नमी है उस नमी को, उस जल के बारी कणों को मिट्टी के कण अपने अंदर अधिशोषित कर लेते हैं,
उन्हें के उस जल को हम कहते हैं आर्द्रता ग्राही जल। यह जल है आपके इक्वल टू हम ओस की बात, ओस के समान मिट्टी के ऊपर रहेगा। लेकिन प्लांट पौधे हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, वो पौधे इस जल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आर्द्रता ग्राही मतलब हवा के अंदर जो नमी है उस जल को मिट्टी के कण अपने अंदर, मतलब अपने चारों ओर चिपका रहा, जो मिट्टी में नमी कम है हवा में ज्यादा है तो वो मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, लेकिन प्लांट इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है आपका कैसीय जल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्लांट की दृष्टि से, पौधे की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपका कैसीय जल। इस जल के अंदर बात करें तो क्या आता है, आज बारिश हो रही है या आप सिंचाई कर रहे हो तो जो मिट्टी का कण है वो कण अपने चारों ओर कुछ जल को एकत्रित कर लेता है, वो जल है उस मिट्टी के कण के चारों ओर चिपक जाता है। ये मिट्टी का कण है तो इसके चारों ओर जल क्या होगा, बाहर की साइड में चिपक जाएगा। जो कण के चारों ओर चिपका हुआ है उस जल को हम कहते हैं कैसीय जल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए याद रखना कि भाई पौधे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जल कौन सा है, आपका कैसीय जल है। क्या कि मिट्टी के कणों के चारों ओर जो जल चिपका हुआ रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कैसीय जल। अगली बात करें हम थर्ड, गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल, अब गुरुत्वीय जल कैसीय जल का ही एक देखें थोड़ा सा पार्ट है लेकिन डिफरेंट है। अब मिट्टी के कण के चारों ओर चिपक गया तो वो तो कहां पर जाएगा, वहीं पर चिपका हुआ रहेगा। लेकिन जो मिट्टी के कणों के बीच में थोड़ा बड़ा गैप है, मिट्टी के कणों के बीच में थोड़ा सा ज्यादा गैप है, अंतराल है, रंध्र है, वहां पर जल क्या होगा, डायरेक्ट सीधा जमीन में मिट्टी के अंदर चला जाएगा, जिसे हम लीचिंग वर्ड भी बोलते हैं। यानी जो मिट्टी के बीच में गैप है, वो गैप का अंतराल थोड़ा गैप बड़ा है, वहां पर जल क्या होगा, सीधा जमीन के अंदर चला जाएगा। मिट्टी के प्रोफाइल एक प्रोफाइल से दूसरी प्रोफाइल के अंदर जाता रहेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय जल। लेकिन ये जल प्लांट के लिए उपयोगी नहीं होता है। भाई प्लांट तो मिट्टी के जड़ों तक मिलेगा, वही तो प्लांट के लिए काम आएगा, ये जल तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। यानी एक दृष्टि से देखें आर्द्रता ग्राही जल भी प्लांट के लिए उपयोगी नहीं है और गुरुत्वीय जल जड़ क्षेत्र से नीचे चला गया तो यह भी आपका उपयोगी नहीं है। तो पौधों के लिए कौन सा जल उपयोगी बचा, अब आपका कैसीय जल। अब हम देखो थोड़ा सा यहां पर आगे देखते हैं, जल का पार्टीशन तो हो गया लेकिन जल से संबंधित कुछ परिभाषाएं आती हैं। वो परिभाषाएं कौन सी हैं, वो एक तो हमने बात की थी अभी लीचिंग की, वो भी देखें कि पहली आती है आपकी जल धारण। जल धारण यानी मिट्टी की जल धारण क्षमता। अब जल धारण से मतलब क्या होता है कि भाई मिट्टी कितने जल को अपने अंदर समाहित रख सकती है, मिट्टी मर्दा कितने जल को अपने अंदर समाहित रख सकती है वो क्या कहलाएगा, आपका जल धारण क्षमता। अब देखो जल हमने बात की थी कैसीय जल कण के बीच में रहता है, ये वर्ड बोलते हैं हम कैसीय जल के लिए ले लेते हैं। नीचे आ गया गुरुत्वीय जल, वो नीचे जा रहा है और ऊपर रह गया आपका आर्द्रता, है उसका मीन ही नहीं है, नीचे चला गया उसका तो पौधों के लिए उपयोग ही नहीं है, मिट्टी अपने अंदर समाहित रख नहीं पाई। तो जो कैसीय जल का फैक्टर है वही क्या है, जल धारण क्षमता। अब देखें बात, जो दो आपके बालू मृदा होती है, बालू मृदा उसकी जल धारण क्षमता होती है 50-60%। ध्यान रखना इस पॉइंट को थोड़ा सा, कि जो बालू मृदा है उसकी जल धारण क्षमता है 50-60%। यानी एक को छनी छलने वाला बर्तन लें हम, जिसके पैंते के अंदर छिद्र हैं, 1 kg आप मिट्टी लें उसके अंदर बर्तन के अंदर और उसके अंदर 1 liter जल डाल दें तो आपका 500-600 ml जल है वो तो मिट्टी में रह जाएगा और नीचे आपके 400-500 ml जल नीचे चला जाएगा। दूसरी चीज आती है आपके जो दोमट मृदा है,
या सिल्ट मरदा है उसकी जल धारण क्षमता होती है आपके 60-70%। वो ज़्यादा जल को अपने अंदर रखेगी। जैसे हम बात करते हैं बारिश हो रही है, बालू मरदा है, रेती मरदा है, वहाँ पर खेत जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन जो दोमट मरदा है वहाँ पर खेत थोड़े से आपके लेट सूखते हैं। उसका रीज़न यही है कि दोमट का जल धारण क्षमता है 60-70 और बालू के 50-60। ये कम ज़्यादा कैसे हुई? बालू के कण बड़े हैं, कण बड़े हैं तो चारों ओर चिपकने के लिए जगह कम है, आयतन तो बराबर है लेकिन कण बड़ा आ गया तो कणों की संख्या कम हो गई, कणों की संख्या कम हुई तो उसके चारों ओर जल बाय डिफॉल्ट कम चिपकेगा, लेकिन यहाँ पर सिल्ट के कण छोटे हैं तो आपके जल को चिपकने के लिए जो पृष्ठ क्षेत्र है वो ज़्यादा मिलेगा, तो उसकी जल धारण क्षमता हो गई अधिक। बात करेंगे जल धारण क्षमता वापिस देखें, यानी मिट्टी के अंदर कितना जल रह रहा है गुरुत्वीय जल के विरुद्ध, वो क्या होगी? मिट्टी की जल धारण क्षमता। अब दूसरी एक इस जल धारण क्षमता के बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा हमारा मुरझान गुणांक। मुरझान गुणांक